छापे में बांधकर एक मंत्र पढ़कर लाना होता है, अर्जी लिखाना होता है, सोशल मीडिया में देवी दरबार का डेट अनाउंस किया जाता है। फिर पर्ची में जिसका नाम आया उसका प्रॉब्लम ये बाबा सॉल्व करते हैं। सबसे स्पेशल हजारों की भीड़ से एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उसका स्टेज आने से पहले उसके इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम ये बाबा लिख कर उसको दिखा देते हैं। अद्भुत, चमत्कार या अंधविश्वास, वेलकम टू न्यूज टाइम बाई एस फैक्ट। चलिए जानते हैं क्यों। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के छतरपुर में है एक गढ़ा गांव, जिसमें है एक पहाड़, उसके सामने एक शमशान। बहुत पहले से वहां ये तांत्रिक बाबा सब आते रहते थे। वहां के गरीबों के पास इतने पैसे नहीं कि डॉक्टर के महंगे फीस दे पाए, इसलिए वो लोग इन सब के झांसे में आ जाते थे। एक दिन धर्मेंद्र शास्त्री के दादा ने उसी पहाड़ के नीचे हनुमान की मूर्ति रखी, मंदिर बनाया और पूजा शुरू कर दिया। उन्हीं को दादा गुरु बोला जाने लगा। उनका बेटा किसान, एक टाइम में दादा गुरु की डेथ हो गई। इधर धर्मेंद्र शास्त्री ने 12 तक पढ़ाई किया और अपने दादा की जगह ले ली और लोक कथा सब करने लगा। यहाँ से गढ़ा गांव का नाम पड़ा भागेश्वर धाम। फिर लोकल मीडिया में न्यूज भी दिया, धार्मिक चैनल्स में शोज भी किए, लेकिन इसको फेमस किया सोशल मीडिया ने। वीडियो या लाइव में किसी का मन का बात बताना, कई बार तो छोटे मोटे आरोप भी लगे, जैसे अर्जी का 1000 रुपये लगता है लेकिन सबका वारी आता भी नहीं, और बहुत। लेकिन अभी विवाद ये नहीं है। 8 जनवरी से 13 जनवरी तक 9 दिन का महाराष्ट्र के नागपुर में यही लोक कथा और दिव्य दरबार का प्रोग्राम था, लेकिन वो 7 दिन में ही निकल लिए। महाराष्ट्र में एक कानून है, महाराष्ट्र एंटी सुपीशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, ताकि कोई अंधविश्वास ना फैला पाए, और इसी के तहत एक समिति है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसके प्रेसिडेंट है श्याम मानव। इन्होंने धर्मेंद्र शास्त्री को चैलेंज दिया कि वो दूसरे कमरे में कुछ सामान रखेंगे और उसे बिना देखे बताना होगा कि वो क्या है, और कुछ अनजान लोगों का माइंड रीड करना होगा उन सबके सामने। अगर धर्मेंद्र शास्त्री ऐसा कर पाया तो समिति की तरफ से उसे 30,000 रुपया दिया जाएगा और उसे सच्चा माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तो उसे 30,000 रुपया समिति को देना होगा और उस पर FIR भी दर्ज होगा। लेकिन धर्मेंद्र शास्त्री 9 दिन की जगह 7 दिन में ही भाग गया। जब उससे इसका वजह पूछा गया तो उसने सफाई देते हुए 2 वजह दिया। पहला कि उसके दादा गुरु का बर्थडे था, दूसरा कि उसे रायपुर का प्रोग्राम में जाना था, और उसने बोला कि वो लोग 7 दिन तक क्यों नहीं आए। अभी धर्मेंद्र शास्त्री के ऊपर उस एक्ट के अंडर FIR दर्ज करने की बात चल रही है। अभी के लिए इतना ही। न्यूज से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से।